तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनोज चौधरी, आप देख रहे हैं चौधरी एसोसिएट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, चलो बात करेंगे फिनोबैन की पोर्टल के बारे में, और यहां पर फिनोबैन की पोर्टल से इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरह जमा किया जाता है, कैसे करना, ये सारी जानकारी इसमें शेयर करने वाले हैं और आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं, और कितना कब से कितने अमाउंट मिलता है ये सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और आपको बताते हैं किस तरह आप हर स्टेट का बिजली बिल जमा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फिनोबैन का डैशबोर्ड है, और यहाँ पर राइट साइड में जैसे आप राइट साइड में जाते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसें मिल जाती है, लेकिन आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिचार्ज और बिल पेमेंट का ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो वो ऑप्शन आपको यहीं से मिलता है। यहाँ पर आपको एक कोई नंबर टाइप करना है जो कि कस्टमर का हो। यहाँ पर आपको एक नंबर डाल के सर्च करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई नंबर यहाँ पर डाल लेता हूँ, नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होता है। तो चलिए यहाँ पर सर्च करते हैं। जैसे आप यहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ पर कस्टमर पहले से रजिस्टर्ड होगा तो उसका नाम वगैरह आ जाएगा, नहीं रजिस्टर्ड होगा तो उसको रजिस्टर करने के बुलाया जाता है। तो यहाँ से पहले से इसका वॉलेट बना हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मोबाइल रिचार्ज का, मिल जाता है, और एक मिलता है बिल पेमेंट्स का। तो हमें बिल पेमेंट्स करना है। जैसे हम बिल पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पा रही है भारत बिल पेमेंट का एक पोर्टल ओपन हो चुका है, और यहाँ पर सेलेक्ट बिल पे कैटेगरी को ओपन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं, ब्रॉडबैंड, केबल टीवी, डाटा केबल, इलेक्ट्रिसिटी, फास्टैग, गैस, हॉस्पिटल इंश्योरेंस और लैंडलाइन, लैंडलाइन पोस्टपेड लोन है, लोन रिपेमेंट है, टैक्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। और भी कुछ यहाँ से आप भरना चाहते हैं टैक्स वगैरह तो यहाँ से आप भर सकते हैं, रेंट पे भी है, बहुत सारी सर्विस यहाँ भर सकते हैं। तो फिलहाल के हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो हम यहाँ को इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आना है दूसरे हमने सेलेक्ट सर्विस प्रोवाइडर पे आना है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका कौन सा वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, यहाँ पर हर स्टेट का अलग अलग है, बिहार का अलग है। तो इसी तरह हम यूपी का यहाँ पर फिलहाल के लिए करने वाले हैं, तो यूपी का हमारा है UPPCL, तो इसे हम UPPCL डाल भी सकते हैं शॉर्टकट में, या उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन भी डाल सकते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन मिलता है UPPCL के लिए, एक होता है रूरल का, एक होता है अर्बन में। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप रूरल सेलेक्ट करेंगे, यदि आप सिटी से हैं, शहर से हैं, तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए जो है मेरा ये रूरल से है, तो मैं यहाँ पर UPPCL रूरल सेलेक्ट करूँगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है प्लीज़ इंटर दी कंज्यूमर नंबर, यानी कि अकाउंट नंबर पूछा रहा है, जो कि आपका जो बिल निकलता है उस बिल पे एक अकाउंट नंबर होता है, उसी को यहाँ पर टाइप करना। तो चलिए यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल लेते हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन मिलता है, एक नेक्स्ट के वैलिडेट का, तो आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो टोटल अमाउंट है वो आ जाता है, और इसका जो बिल डेट है वो भी आ चुका है 16/11/20, और इसका जो बिल का ड्यू डेट है लास्ट, यानी कि आज है 16/11/2020 में इसका लास्ट डेट है। अगर इसके बाद हम इसको जमा करते हैं तो यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 2750 रुपये का अमाउंट है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पोर्टल में भी आप यहाँ पर जो कि 40,000 के आसपास का बैलेंस यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ पर हम जमा करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे करना है। इसके लिए आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, जो कि यहाँ पर आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है और सर्विस प्रोवाइडर दिखाई दे रहा है, रूलर है, अमाउंट है, नेट पेबल अमाउंट है, चार्ज यहाँ पर कोई नहीं लगाया जा रहा है। इसके पहले जब कोई लोग बिल पेमेंट करते तो पहले चार्ज लगा था, उसके बाद कमीशन दिया था, तो बहुत ही अलग टाइप का था, लेकिन अभी चेंज कर दिया गया। अभी आपको यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, केवल जमा करने पर आपको कमीशन ही मिलता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह होता है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट करना है, अगर कोई चीज़ गलती हो तो आप प्रीवियस पे जाकर दोबारा से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के इसे नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी तरीके से ये हो चुका हुआ है, जैसा कि आपको वहाँ दिखाया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये तो एक ऑप्शन आ चुका। तो यहाँ पर देख पा रहे सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि कैश है, और ये बिल पेमेंट डन सक्सेसफुली हो चुका हुआ है। अभी हम इसको यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं लगाया गया, और ये जो कस्टमर का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर मैसेज भी भेज दिया गया है। तो ये हो चुका है, अभी से आप प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं प्रिंट के लिए। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुका हुआ है, और यहाँ से जमा करने पर आपको कोई भी प्रिंट वगैरह ऑनलाइन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही बढ़िया प्रिंट आपको देता है, जो कि देखिए काफ़ी देखने में बहुत अच्छा है। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
तो जैसा कि आप मैं देख पा रहे हैं यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर है और कितना अमाउंट है, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर भी दिखाया जा रहा है, कंज्यूमर नंबर भी दिखाया जा रहा है, डेट भी दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर पेमेंट मोड भी, यानी कि सारी चीज़ बहुत बढ़िया से दिखाई दे रही है, डेट भी दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह आप यहाँ पर बिल पेमेंट कर सकते हैं फिनो पेमेंट की पोर्टल से, तो इसे यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए प्रिंट नहीं करूँगा, मैं इसे सेव कर लेता हूँ PDF में। तो सेव करके, तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल के लिए इसे सेव कर लिया है, और सेव करने के बाद इसे मैं फिनिश कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ, ये फिनिश हो गया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर 37,000 के आसपास का बैलेंस है, 37,615 रुपया, जो कि 40,000 के आसपास का यहाँ पर बैलेंस था। तो अभी चलते हैं डैशबोर्ड पे, देखते हैं कितना कमीशन ये देता है हमें। तो आपको आना है यहाँ पर, आपको एक ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट का, रिपोर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर अकाउंट हिस्ट्री पर क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं यहाँ पर डेट देता है, तो जनरेट डेट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि बहुत ही कम कमीशन मिला हुआ है, और यहाँ पर 72 पैसा के आसपास यहाँ पर कमीशन मिला, 2750 रुपये जमा करने पर। तो यहाँ पर कुछ कमीशन कम है, अगर हाईएस्ट आप करते हैं 10,000 के आसपास तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 15 रुपये कमीशन मिलता है, और कम करने पर तो कम कमीशन मिलता है। तो इस तरह कुछ था, आसानी से आपको जमा कर सकते हैं बिल पेमेंट, और आपका भी कोई भी स्टेट है तो आप दूसरे स्टेट इसी तरह जमा कर सकते हैं। बाकी और भी कोई सर्विस इसमें से यूज करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए, तो यहाँ पर आप लोन जमा कर सकते हैं, EMI जमा कर सकते हैं, टैक्स भी जमा कर सकते हैं, तो आज सभी चीज़ यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों यह कुछ छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।